करीबी और समाजवादी पार्टी से घोसी सांसद पर केस हो चुका है। बताया जा रहा है कि घोसी सांसद राजीव राय पर सरायलक्सी थाने में केस दर्ज हुआ है। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने गए थे राजीव राय। डॉक्टर से अस्पताल के समय में गायब होने की बात पूछी थी तो डॉक्टर ने सरकारी काम में बाधा डालने में केस दर्ज कराया है। डॉक्टर ने धारा 221, 132 और 352 के तहत कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराया है। मरीजों की शिकायत पर जिला अस्पताल गए थे राजीव राय। निरीक्षण में 3 डॉक्टर गायब और 4 दलाल मिले थे। दुकान नाक गला के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी पर, देखिए सौरभ त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। तो मरीजों की शिकायत पर जिला अस्पताल गए थे राजीव राय। बता दें कि घोसी के सांसद राजीव राय पर केस दर्ज हुआ। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही। तो नाक कान गला के डॉक्टर हैं सौरभ त्रिपाठी, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। तो ये अखिलेश यादव के करीबी हैं। बता दें कि घोसी सांसद पर केस दर्ज हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही। घोसी सांसद राजीव राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के घोसी सीट से जो सांसद हैं उन पर बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, होता क्या है, सांसद जो है वो जनता का प्रतिनिधि होता है और जब जनता के लोग अपनी तकलीफ बताते हैं तो उनको मौके पर देखिए पहुंचना होता है। और जिस तरीके से देखिए वीडियो सामने आया था उसमें साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था कि जो सपा के सांसद हैं देखिए राजीव राय, ये अस्पताल में पहुंचते हैं और जब इनकी बातचीत की शुरुआत होती है तो ये डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो एंटी के डॉक्टर हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आप बेवजह मुझसे बात ना करिए, आप बाहर जाके देखिए। तो देखिए सांसद को किस तरीके से जवाब देना चाहिए डॉक्टर को, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एक जो है बड़ा बखेड़ा हुआ। क्योंकि राजीव राय को देखिए ये बताया गया था कि जब हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, और जब राजीव राय वहाँ पर पहुँचे उन्होंने निरीक्षण में भी पाया कि वहाँ पे 3 डॉक्टर थे और 4 दलाल थे। अब आप समझ सकती हैं कि अगर वहाँ पर बीच में ऐसे दलाल लोग पहुँचेंगे जो चाहे खून की देखिए उनको कहीं ना कहीं से ब्लैक करना हो या फिर उनको अस्पताल में कहीं अन्य ले जाके उनका खर्चा बढ़ाना हो, तो इसी शिकायत पर वो पहुँचे थे। अब सौरभ त्रिपाठी का देखिए ये आरोप है कि इन्होंने जो है मुझको मानसिक बताया, मुझको पीड़ा पहुंची है, वहां पर जो ईएनटी का जो सामान रखा था उसको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, इनके जो समर्थक हैं वो भारी संख्या में वहां पर घुस गए। जबकि वीडियो में देखिए सब कुछ एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। राजीव राय डॉक्टर से बात करते हैं, जब डॉक्टर जो है तेज आवाज में या इस तरीके की देखिए भाषा शैली कोई भी सांसद तो फिलहाल जो है वो नहीं उपयोग करता है। आम जनता से तो सभी को पता है कि आज के समय में आप अस्पताल में लाइन में लगी है किस तरीके का हाल होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए सांसद को भी ये बात जो है वो नागवार गुजरी थी और उन्होंने जो है वहाँ के सीएमओ से कहा था कि इनके ऊपर जांच बिठाइए और उनके ऊपर देखिए वहाँ के सीएमओ ने जांच भी बिठाई थी। अब डॉक्टर ने देखिए अपने आप को सेफ करने के लिए उन्होंने एक मुकदमा जो है वो दर्ज करा दिया है। मुझे लगता है कि देखिए ये मामला जो है वो अभी तूल पकड़ेगा क्योंकि सांसद राजीव राय की तरफ से तो बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के बीच में रोष है कि सांसद अगर वहां पर पहुंचकर डॉक्टरों को काम को प्रभावित करेंगे, लेकिन जब वहां पर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो काम प्रभावित कैसे होगा। सांसद जो हैं वो पहुंचे ही वहां पर इसीलिए थे कि आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते, जब वो वहां पर पहुंचे तो भी वहां पर देखिए जो है वो डॉक्टर हैं वो गायब मिले थे। अब देखना होगा कि देखिए किस तरीके की कार्रवाई होती है, लेकिन मुझे ये देखिए जिस तरीके से वीडियो में जैसा जो प्रतीत हो रहा था, और मुझे लगता है कि देखिए एक प्रतिनिधि को जो सांसदी जीतकर उस क्षेत्र में वहां पर पहुंचा हो जनता का प्रतिनिधित्व करने, उससे जो भाषा शैली है मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी संयमित होनी चाहिए थी, तो इतना बड़ा जो बखेड़ा है वो नहीं खड़ा होता। जी बिल्कुल संदीप, ये देखने वाली बात होगी कि आगे कितना ये मामला तूल पकड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप भी ले सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि सीएमओ के लिए सीएमओ को जांच के आदेश दिए गए थे, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया सामने आया है अभी तक? देखिए मौके पर सीएमओ मौजूद थे और खुद राजीव राय सीएमओ से ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप देखिए इनकी भाषा शैली देखिए, सीएमओ खुद डॉक्टर को समझाते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप वो वीडियो भी देखेंगी तो जो डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उनकी देखिए भाषा शैली थी वो एक सांसद के नजरिए के हिसाब से देखिए ठीक नहीं थी। सांसद पहुंचे थे, उनको बैठने के लिए कहना चाहिए था, जरूरी तो है नहीं कि वो सपा के सांसद हैं तो उनके साथ कुछ भी किया जाए, तो उनको बैठने के लिए कहना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था व्यवहारिक तौर पर देखिए अगर समझा जाए। कोई भी देखिए सांसद हो, अगर उसने वो चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिसकर्मी हो वकील हो, अगर किसी भी तरीके की अभद्रता करेगा तो उसका देखिए गुस्सा स्वाभाविक होता है क्योंकि उनके समर्थक साथ होते हैं और वो वहां पर न्याय दिलाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की बेइज्जती हो जाए तो आप समझ सकती हैं सांसद को लगता है कि मैं यहाँ का सांसद ही क्यों हूँ।
तो आप देखिए, डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, पुलिस जांच करेगी, जो वीडियो है उसको भी देखा जाएगा कि कहां पर किसकी गलती है। लेकिन बार बार देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं कि चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे पार्षद हों, इनका सभी सरकारी अधिकारियों को सम्मान करना चाहिए। यहां तक तो ये भी कहा गया है कि जो सरकारी अधिकारी अपनी कुर्सी पर सफ़ेद तौलिया डालकर रखते हैं, वैसे ही एक कुर्सी सामने रखी जाए जिसमें विधायक को बिठाया जा सके, सांसद को बिठाया जा सके, जिससे उनको अपना अपमान ना लगे, क्योंकि ये लोग देखिए जनता से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। और इस वीडियो में देखिए यही दिखाया जा रहा था कि सबसे पहले सौरभ त्रिपाठी ने भाषा शैली का उपयोग किया था, उसके बाद सांसद की नाराजगी सामने आई थी और वो ये कहते हुए बाहर निकल गए थे। कहीं पर भी कोई तोड़फोड़ मुझे वीडियो में तो नहीं दिखाई दी गई। अगर बाद में कहीं पर कुछ ऐसा हुआ होगा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वीडियो को आधार मानते हुए देखिए सच्चाई की बात करते हैं तो सौरभ त्रिपाठी को भी देखिए, मुझे लगता है कि सांसद की डेजिग्नेशन के हिसाब से देखिए उनसे व्यवहार करना चाहिए। और देखिए, सभी को पता है कि जब अस्पतालों में पहुंचते हैं तो देखिए आम मरीज के साथ जो है, आपको भी देखिए पता है कि किस तरीके की भाषा शैली जो है वो उपयोग होती, लेकिन एक सांसद देखिए इस तरीके की भाषा शैली मुझे नहीं लगता है वो स्वीकार करेगा, और इसी का उन्होंने देखिए विरोध दर्ज कराया था। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम लोग सब कुछ समझ लोगे, कुछ भी बोल लोगे? मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इंफॉर्मेशन